नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विदेश की एक बड़ी खबर से, जहां इजराइल और फलिस्तीन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 दिन से चले अघोषित युद्ध में रविवार को इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में हमास प्रमुख के घर पर बम बरसाए हैं। वहीं इस्लामी समूह ने भी तेल अवीव पर जमकर रॉकेट बरसाए। रात भर भीषण बमबारी हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इसराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 3 फलिस्तीनी मारे गए हैं, तो कई घायल हुए हैं। हवाई हमलों की बौछार में रविवार तड़के इसराइल ने यहाया अल सिनवार के घर पर बम गिराए, जो कि 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख हैं। अभी तक यह जानकारी नहीं है कि हमले के वक्त हमास प्रमुख वहां मौजूद थे या नहीं। इसराइल में रॉकेट हमलों को लेकर बसते हुए सारन के बीच लोग बम शेल्टर्स में भागते नजर आए। तेल अवीव और इसके आसपास में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सोमवार को हिंसा की शुरुआत के बाद गाजा में कम से कम 148 लोग मारे गए, जिनमें 41 बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने उनके 10 नागरिकों की मौत की बात कही है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे वेब पोर्टल nathulal.com के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूज़ CGMP में भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।